क्रांति उड़ीसा में पेश है आज की ताजा खबरें। आतंक पर सख्ती, सरकार ने संसद में बताया जम्मू कश्मीर में 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी घटनाओं में 50% की कमी। सीज फायर भारोचन बढ़ा, सर्दी से कुछ राहत। भोपाल में 55 दिन बाद तापमान 31 डिग्री पर। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ठंड कम लेकिन बारिश का अलर्ट। किसान आंदोलन का 70वां दिन, हरियाणा के जिंद में आज किसान महापंचायत होगी। 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान। लव जिहाद कानून, संसद में सरकार का बयान, इस पर केंद्रीय कानून बनाने की योजना नहीं, यह राज्य सरकारों का विषय। ईवीएम का विकल्प, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से मतदान कराने की कवायद शुरू। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कानून बनाने का दिया निर्देश। घूसखोरी में आईपीएस अरेस्ट, राजस्थान के दौसा के एसपी हाईवे बना रही कंपनी से हर महीने 4 लाख रुपया लेते थे, कुल 38 लाख रुपया दिए। कोरोना दुनिया में WHO ने कहा वैक्सीन पर राष्ट्रवादी रवैया सही नहीं, इससे वायरस ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाए। नैनो टेक्नोलॉजी में दिखाई नई राह, यूएस वैज्ञानिकों की बनाई बाधक ही कर सके विस्फोटक पदार्थ का पता लगा। पाकिस्तान के फैसलाबाद में भगत सिंह का जन्म स्थल बनेगा स्मारक। जलियांवाला बाग की मिट्टी लगेगी। तख्ता पलट के बाद का हाल, म्यांमार में रह रहे भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह, सेना ने सभी चीफ मिनिस्टर को रिहा किया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, पंत, रूट और स्टर्लिंग पुरुष कैटेगरी में नॉमिनेट। महिलाओं में डायना पैक, सबनम स्माइल और मारिया जाना कैप में मुकाबला। भारत वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट, टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस शुरू की। कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने की हौसला अफजाई। टीम इंडिया के सामने रॉडर्सन का चैलेंज, ब्रॉड और एंडरसन के पास एशिया में 42 टेस्ट का अनुभव, ले चुके हैं 110 विकेट। क्रिकेटर से बने एक्टर, साउथ फिल्म कोबरा से डेब्यू कर रहे हैं क्रिकेटर इरफान पठान। KGF 2 की दीवान में यश के फैन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखी चिट्ठी। KGF 2 की रिलीज के दिन नेशनल हॉलीडे घोषित करने की अपील की। अर्जुन रेड्डी फैम पी विजय देवरकोंडा के साथ करण जौहर ने साइन कर 3 फिल्मों की डील। एक्टर ने ली 100 करोड़ की फीस। टेनिस फिल्म के रीमेक में दिव्यांग खिलाड़ियों के कोच बनेंगे आमिर खान। बास्केटबॉल सिखाते आएंगे अजय।